ऐसी कौन सी जगह है जहां आप अपने घर पे ही सेफ नहीं है? तो हाँ, कहीं ना कहीं हम कश्मीर का नाम ले सकते हैं, क्योंकि आए दिन वहां पर जो लेपर्ड अटैक्स होते हैं वो घरों के आंगन में ही होते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक घर के आंगन में एक 9 साल की बच्ची पर लेपर्ड ने अटैक किया, जो अपने ही घर के आंगन में थी। और फिलहाल कौन सी लोकेशन है, क्या बच्ची का नाम है, क्या उम्र है, जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शमीम ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, बताइएगा कल रात का वाकया है, क्या हुआ था? जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं। तकरीबन कल 10 बजे के करीब जो ये शाहनगरी, हरपुरा शाहनगरी का इलाका है, ये मावर का इलाका है, नुसरत मजीद जो 9 साल बच्ची जो है कल अपनी सहन में बैठी थी। कल रीच ने इस पे हमला किया और शदीद तौर इसको जख्मी किया गया। जख्मी के बाद इसको नजदीकी अस्पताल जो जीएम शाह द्वारा वहां पे इलाज मौजा के लिए लाया गया है। लगातार अगर मैं प्रियंका में आपको बताता चलूं, सबजिला हंदवारा की बात करेंगे तो जंगली जानवरों ने अब गांव या बस्ती की तरफ रुख किया है। हम कहेंगे क्योंकि जिस तरह पहले ही एडवाइजरी दी गई है महकमे जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा ने साफ तौर पहले ही से ही एक मैसेज भी दी है और मीडिया से बात करते हुए साफ तौर कहा कि जब लोग जो है शाम के टाइम ये अपनी किचन गार्डन के लिए सब्जी वाली जाते हैं तो वहां पे लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है और वहां पे कोई पहले टीन बजाए या किसी मर्द को साथ ले जाए ताकि वो फिर अपनी जो है सब्जी लेने जब जाते हैं हमारे माए बहने। तो इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है क्योंकि मावर इलाके से इससे 5 दिन पहले ही एक खातून पे हमला किया गया है बालू ने, तो शदीद तौर जख्मी किया, जख्मी के बाद इसकी मौत वाकई हुई। तो इसी इलाके से दूसरी खबर जो मावर इलाके है, ये दूसरी खबर वहां से आ रही है कि लगातार दर्शपुरा की बात करेंगे या हर एक इलाके से हमें फोन कॉल मौसूल हुए कि जंगली जानवर ने अब गांव और बस्तियों की तरफ रुख किया है। जिसमें जंगली बाकी ये बालू या हम रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे, जो बंदर है बंदर ने भी अब जो है लोगों का जीना हराम किया है क्योंकि वो भी अब बस्तियों की तरफ जिस तरह रुख कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ महकमे को चाहिए, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उनका हेड ऑफिस जो है वो सोपोर के अंदर है, जो उनके पास एम्बुलेंस गाड़ी है वो एक है, बारामूला और सोपोर और कफारा के लिए एक ही गाड़ी है। जब वो बारामूला जाती है गाड़ी, यहाँ पे कोई लीपाट या बालू पकड़ता है तो जब बारामूला से गाड़ी आएगी तब उसको पहुंचने में यहाँ काफी ज्यादा टाइम लगता है और उनके पास स्टाफ भी काफी ज्यादा कमी है। अगर उन्हें बहुत जगहों पे उन्हें बनाए हैं जो नए उन्हें कायम किए हैं, उन्हें सेंटर किए हैं, मगर वो अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिससे आवाम काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास एक मुलाजिम होता है, बाकी वो कैजुअल लेबर्स होते हैं। जब उनको सोपोर से आना पड़ता है या बारामूला से या उड़ी से आना पड़ता है, तो पिछले दफा एक ऐसे ही मामला हुआ था राजवार में, कहीं ये जो इलाका है वहां पे एक बालू को पकड़ा गया राजपुरा के अंदर, गाड़ी दिन भर उड़ी में थी तब वो गाड़ी शाम को आई, शाम तक लोगों को वेट करना पड़ा, लोग खुद ही वहां पे आसपास जब इस तरह की खबर फैलती है बच्चे काफी ज्यादा जो है डरे हुए हैं, बुजुर्ग जब शाम के टाइम या सवेरे जब निमाज़ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। तो शमीम जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, आपको बता दूं कि 9 साल की बच्ची पर जो लेपर्ड अटैक किया गया है और मावर हंदवारा का इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर अटैक किया गया है और घर के आंगन में ही इस बच्ची पे अटैक किया और जिस तरह से जरूरत है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी इस पे गौर फरमाने की, 9 साल की नुसरत मजीद पर लेपर्ड अटैक हुआ है और जो कि गंभीर रूप से घायल हुई थी और उसे हरपुरा शांगरी में बताया जा रहा है कि ये अटैक हुआ। फिलहाल सब